कार्यशाला का आयोजन मीर होटल मीर रेजिडेंसी में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि बाल संरक्षण और दूसरा था सुरक्षित खिलाएँ। गिरिडीह जिला के तीसरी प्रखंड जो मायका क्षेत्र है और दूसरा जो कीर्तन जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, दोनों एरिया में खासकर संस्था ये बच्चों के विकास को लेकर के काम कर रही है। और यहाँ पे आज हम लोग जो कार्यशाला का आयोजन किए उसमें खासकर ये इन दोनों क्षेत्रों के बच्चों और महिलाओं साथ ही जो हमारे कार्यकर्ता है सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और जिला स्तर के जो DLSC के सेक्रेटरी और सर्वे विभाग के अधीक्षक और साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को इस कार्यक्रम में इसलिए आमंत्रित किया गया था ताकि डिपार्टमेंट और जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय बना करके इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए का हम सम्मिलित रूप से काम को आगे बढ़ा सकें, इसी को लेकर के यहाँ कार्यशाला आयोजित किया गया था। हम लोगों ने देखा है कि अगर हम सामूहिक रूप से अगर किसी क्षेत्रों के विकास के लिए काम नहीं करते हैं तो हम संस्था जागो फाउंडेशन कुछ दिनों के लिए या TDS नीदरलैंड है या जो हम कुछ शॉर्ट टाइम के लिए 3 साल के लिए काम करेंगे, लेकिन आगे जो इन क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधि और विभाग ही आगे काम को बढ़ा सकता है। तो ये जानकारी का आदान प्रदान को लेकर के हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। हमारा आगे का प्लान है कि जागो फाउंडेशन, TDS नीदरलैंड और चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, ये सभी संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से इन क्षेत्रों के बच्चों के महिलाओं के साथ काम को आगे बढ़ाया जा सके ताकि बच्चे का उज्ज्वल भविष्य बन सके। जागो फाउंडेशन जो गैर सरकारी संगठन है, उन्होंने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था जिसपे विषय था कि बाल संरक्षण एवं सुरक्षित पलायन, इसको लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी निमंत्रण था। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के रूप में आज यहाँ पे आया हूँ और जो कार्यशाला यहाँ हुई वो बहुत ही अच्छे तरह से आयोजन उसका किया गया था। इसमें उपस्थित जितने और दूसरे पदाधिकारीगण थे उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पे अपनी राय दी और जो भी जहाँ जनता मौजूद थी जो कि बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए थे वो लोग और अपना उन्होंने अनुभव साझा किया, उनको मेरे द्वारा तथा वहाँ उपस्थित दूसरे जो गणमान्य अतिथिगण थे उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे पलायन के समय किन बातों का ध्यान रखना है, बाल संरक्षण जो अधिकार है उनका उनको किस तरह से लोगों को जागरूक करना है और अगर कोई हनन होता है उनके अधिकारों का तो किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई का क्या प्रावधान दिया गया है तथा किसको अप्रोच करना है, वो सारे विषय के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। एक चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी लगी वो था बाल मंच का कॉन्सेप्ट जो मुझे जागो फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ जी ने बताया कि छोटे बच्चे जो एक तरह से लीडर का काम करते हैं और बाकी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे वो लोग अपने राइट्स को लेकर के सजग रहें, तो उनमें से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा और बताया कि किस तरह से बाल विवाह को होने से उन्होंने रोका है, कुछ लोग को कैसे रेस्क्यू कराया है। और मैंने भी अपने संबोधन में इस चीज़ पे जोर दिया है कि जितना जितना ज़रूरी रेस्क्यू करना है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वापस से उन लोगों को समाज में रीइंटीग्रेट करना, क्योंकि जब तक उनको वापस से हम ये फीलिंग नहीं देंगे कि वो इसी समाज का हिस्सा हैं और वो मजबूती के साथ वापस से वापस आएँ और अपने आप को बेहतर एक इंसान बनाएं, तब तक उनको रेस्क्यू करना एक आधी अधूरी सी बात रह जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही विस्तार से मैंने जानकारी दी, अन्य लोगों ने भी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वो लाभान्वित हुए होंगे। और DLSA के कार्यशैली के बारे में भी उनको बताया गया, उनको कहा गया कि DLSA सदैव उनको जो भी उनकी कानूनी अधिकार है मौलिक अधिकार है किसी का भी हनन होता है तो DLSA के शरण में आना यानी कि आप न्यायालय के संरक्षण में आ रहे हैं तो इसका एक अलग महत्व होता है और आपके सभी हितों का ध्यान रखती है DLSA।